कई महत्वपूर्ण कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। एक शताब्दी अस्पताल जो कई वर्षों से बन रहा था, नेताजी ने शुरू किया था और पुरानी सरकार में भी बनता रहा, पूरा नहीं हुआ। इधर KGMU में अस्पताल पूरा किया है और उसके साथ साथ उसमें अलग सी व्यवस्था थी कि संपन्न लोगों का इलाज होगा और उस पैसे से अस्पताल में और लोगों की इलाज से मदद होगी। उस फैसले को निरस्त करते हुए व्यवस्था ये बनाई है कि जिस तरह KGMU में इलाज हो रहा है उसी तरह इलाज होता रहेगा और बिल्डिंग पूरी की पूरी KGMU को दे दी जाएगी, जिससे कि वहाँ पर आने वाले समय में MD, MS, MCH की जो सीटें बढ़ाने का फैसला है वो सीटें बढ़ सकें। इसी तरह ITI को सुचारू रूप चलाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको और अच्छा करना चाहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे भी लेना पड़ेगा सिखाने वालों को तो वो लिया जाएगा। इसके साथ साथ आजमगढ़ और कन्नौज उदाहरण के लिए शुरू किया जा रहा है कि अंडरग्राउंड केबलिंग से व्यवस्था कितनी बेहतर हो सकती है, जिसमें कि बिना रुके बिजली उपलब्ध होगी और जहां और तरह की शिकायतें आती हैं उन शिकायतों पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर में जो लोग पीड़ित थे परिवार, उनके घोषणा की गई थी कि रानी लक्ष्मीबाई योजना के माध्यम से उन परिवारों की सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो परिवार हैं पीड़ित परिवार उनको रानी लक्ष्मीबाई योजना के माध्यम से मदद पहुंचेगी।